सो वेलकम बैक एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सरफेस एंड एरिया का क्विज नंबर वन, जहां पे हम लोग सरफेस एंड एरिया हम लोगों ने बहुत उसको शॉर्ट में पढ़ा है, क्योंकि आप लोगों ने बोला था वो हो गया, तो उस पर बेस्ड मैंने कुछ क्विज लिए हैं। ये क्विज करने के बाद हम लोग पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर टू का रिविजन करने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं क्विज को। तो क्विज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ द सर्फेस एरिया। आपको सर्फेस एरिया, आपको देखिए क्या करना है, जो लोग नए हैं आपको मेरे स्क्रीन पर क्वेश्चन देखना है और ऑप्शन देखना है। जो ऑप्शन, जिस कलर का ऑप्शन सही होगा वो वाला कलर आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर क्लिक करना है। ठीक है, क्या करना है, जो भी ऑप्शन सही आपको दिखेगा वो कलर आप अपने मोबाइल पर क्लिक कीजिएगा और क्वेश्चन मेरे स्क्रीन पर देखना है आपको। टाइम इज रनिंग आउट फास्ट, अभी तक एक भी कैंडिडेट ने रिप्लाई नहीं किया है। 17 सेकेंड्स लेफ्ट, अब आंसर आने स्टार्ट हो गए। 10 सेकेंड्स लेफ्ट, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 एंड टाइम अप। तो चार लोगों ने सही आंसर दिया और तीन लोगों ने गलत आंसर दिए, टोटल सात लोग ही आंसर दे पाए। और पोडियम पे अभिषेक आनंद टॉप पोजीशन पे, गौतम सेकंड एंड आदित्य थर्ड पोजीशन पे, कुमार अभिषेक फोर्थ एंड हेमंत पांचवे पोजीशन पे। हाँ बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ इज ऑन द स्क्रीन। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू क्यूब्स इज 27:125, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। कह रहे हैं अगर दो क्यूब के वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है तो उनके सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। एवरीवन जस्ट गो फॉर द करेक्ट ऑप्शन, पांच लोगों ने रिप्लाई कर दिया है। ट्वेंटी सेकेंड्स लेफ्ट, टेन सेकेंड्स लेफ्ट, छह लोगों ने रिप्लाई कर दिया। एंड नाउ द फोर सेकेंड्स रिमेनिंग, चार लोगों के सही आंसर हैं और चार लोग गलत, 50-50 के साथ ये माजरा। आदित्य आनंद टॉप पोजीशन पे, सीधे थर्ड से फर्स्ट पोजीशन। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, द रेशियो ऑफ द टू एरियाज ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ टू स्फीयर इज 1:9, देयर वॉल्यूम का रेशियो, उनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, जो जितना जल्दी आंसर मार्क करेगा उसका स्कोर उतना ही बेहतर होगा। थर्टी फाइव सेकेंड्स लेफ्ट, हु हैज मार्क द आंसर। टेन सेकेंड्स लेफ्ट, ग्रेट, पांच लोगों के फिर भी अभी भी दो लोगों के गलत आंसर है। पोडियम पे कोई हरकत नहीं, लेकिन स्कोर बूस्ट हो रहे हैं लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ ऑन द स्क्रीन, फोर्थ क्वेश्चन, इफ द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ टू सिमिलर सॉलिड इज 9:4, द रेशियो ऑफ देयर सॉलिड्स इज, उनके द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज, वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। सरफेस एरिया मतलब दो सॉलिड के सरफेस एरिया का रेशियो दिया हुआ है, आपको वॉल्यूम का रेशियो बताना है। वन हैज मार्क द आंसर, टू
चार लोगों ने आंसर मार्क कर दिया। टेन सेकेंड्स लेफ्ट। ग्रेट, अभी भी दो लोगों के गलत। पीयूष ऊपर आता हुआ, बहुत अच्छे, ग्रेट, कंपटीशन दिख रहा है। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ दीज सिमिलर स्क्वायर पिरामिड। इन दो सिमिलर स्क्वायर पिरामिड का सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा? थर्टी सेकेंड्स लेफ्ट। टेन सेकेंड्स लेफ्ट। तीन लोगों ने आंसर मार्क कर दिया। एंड फोर थ्री टू वन। ग्रेट, पांच लोगों के सही आंसर, अभी भी दो लोगों के गलत। और कुमार अभिषेक सेकंड पोजीशन, कृष्णा अभिषेक है ना ये? ग्रेट, yes, sir. ने लगातार पांच क्वेश्चन सही किए हैं। ग्रेट, सिक्स क्वेश्चन इज नाउ ऑन द स्क्रीन। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ, लोड होने दो इमेज, इसका सरफेस एरिया आपको निकालना है, जो जितना जल्दी आंसर मार्क कर दे। क्यूब दिख रहा है ये, सर एनोटेशन बटन के कारण हम गलत ऑप्शन क्लिक कर दिए। एनोटेशन सर वो ऑप्शन के आगे आ गया था, हमको लगा वही है। ओ बोलना चाहिए था, हटा देता मैं। अब चेंज नहीं हो सकता है क्या? नो सर। नो सर। 14 सेकंड्स लेफ्ट। थ्री टू वन जीरो एंड टाइम अप। तीन लोगों ने सही किया, चलिए सिर्फ स्कोर बूस्ट हुआ है। तो सही तो हुआ तुम्हारा आदित्य? यस सही था, हम गलती से क्यूब देख लिए। तो चलिए ये टॉप पोजीशन पे अभी भी आदित्य है, आदित्य है, कृष्णा अभिषेक सेकंड, अभिषेक थर्ड पोजीशन पे। सर 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 एक मिनट, इसका आंसर कितना होता? ये कितना हुआ? 6 into 5 का 150 हो गया। हां तो 150 दिए लेकिन 150 दिए लेकिन गलत शो कर रहा है यहां पे। तुम क्यों डाल दिया होगा सर? मेरा भी क्या यूनिट नहीं देखा? यूनिट देखना चाहिए था। अच्छा हां स्क्वायर यूनिट में होगा सर मेरा। अरे स्क्वायर यूनिट में होगा, दो दो ऑप्शन था, वो एक क्यूब में था एक स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट वाला नहीं किए होगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ ऑन द स्क्रीन, सेवेंथ क्वेश्चन। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ, मैं ये हटा देता, सरफेस एरिया ऑफ ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। फोर सेकेंड्स नहीं, 20 सेकेंड्स लेफ्ट। फोर हैज मार्क द आंसर। टेन सेकेंड्स लेफ्ट गाइज। थ्री, छह लोगों ने आंसर दिए, सात लोगों ने आंसर दिया, छह लोगों के बिल्कुल सही।
कभी भी गलत। ग्रेट गौतम का लगातार 3 क्वेश्चन सही हुआ गौतम। चलिए नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ ऑन द स्क्रीन। 8th क्वेश्चन, फाइंड द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, फिगर ये अपलोड नहीं हो रहा है, ये क्या? चलिए ये स्फीयर है, स्फीयर का सरफेस एरिया दिखाना है आपको। डायमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, दो लोगों ने आंसर मार्क कर दिया, पाई के फॉर्म में ही आंसर देना है, तो कैलकुलेशन ज्यादा नहीं कीजिएगा। टेन सेकेंड्स लेफ्ट, फाइव फोर थ्री टू वन। इसमें भी दो लोगों का गलत हो गया, क्या कर रहे हो पाजी तुम लोग। ग्रेट कृष्णा अभिषेक का लगातार 8 क्वेश्चन इन अ रो सही हुआ है, ग्रेट। एंड 9th क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, कैलकुलेट अ सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है आपको। स्क्वायर पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड का बेस 12 सेंटीमीटर का एंड परपेंडिकुलर हाइट इसमें 10 सेंटीमीटर का है। 90 सेकंड्स मैंने लिए थे, 1.5 मिनट का टाइम आपके लिए। लेट्स सी कर पा रहे हैं कि नहीं आप लोग। हालांकि इस तरह का एक क्वेश्चन आ चुका था, आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया था, 3 लोगों ने आंसर मार्क कर दिया है। पांच लोगों ने आंसर मार्क कर दिया। 40 सेकेंड्स रिमेनिंग, ग्रेट, 6 हैज मार्क द आंसर, बहुत ही शानदार। पीयूष ऊपर आते हुए 5वां पोजीशन पे, पीयूष। आदित्य ने लगातार 9 क्वेश्चन सही किए, ग्रेट। एंड द 10th क्वेश्चन इज नाउ ऑन द स्क्रीन, सरफेस एरिया मींस, सरफेस एरिया का मीनिंग क्या होता है? एडिंग अप ऑल द साइड्स, साइड लेंथ्स ऑफ अ शेप, मल्टीप्लाइंग ऑल द साइड लेंथ्स टुगेदर, फाइंडिंग द एरिया ऑफ ऑल फेसेस टुगेदर, काउंटिंग द एजेस। 4 हैज मार्क्ड द आंसर, 8 सेकेंड्स लेफ्ट, 5 4 3 2 1 एंड टाइम अप। इसमें भी दो लोगों के गलत, ओहो। ग्रेट हेमंत फिर ऊपर आते हुए 5th पोजीशन पे। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज नाउ ऑन द स्क्रीन, फाइंड द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, इस फिगर का सरफेस एरिया क्या होगा? सर फिगर साफ नहीं है। फिगर तो मैं बड़ा नहीं कर पाऊंगा, ज्यादा जूम करके ये दिखा पाऊंगा। दिख रहा है फिगर, इसी से मैनेज करना पड़ेगा। और इसके बाद पोडियम पे देखते हैं कौन लोग आ रहे हैं। 1. ये डायमेंशन में बता सकता हूँ, 1.5 ये लेंथ 10 मीटर, वर्टिकल हाइट 2 मीटर और डायगोनल जो है 2.5 मीटर का है। 70 सेकेंड्स लेफ्ट, 1 मिनट रिमेन।
44 seconds left. ग्रेट, चार लोगों के सही, दो लोग के गलत, तीन लोगों के गलत। और चलिए पोडियम पे देखते हैं कौन कौन लोग हैं। तो थर्ड पोजीशन पे जिन्होंने 11 में 7 क्वेश्चन सही किया, अभिषेक आनंद, कृष्णा अभिषेक 11 out of 11 एंड आदित्य आनंद 11 out of 11। ग्रेट, रनर अप पे गौतम एंड हेमंत हैं। यानी कि 4 का डिफरेंस एक ही बार, फर्स्ट सेकंड के बाद। और करो, खेलोगे? एक और क्विज है। यस सर, यस सर, छोड़ देते हैं, चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम सेशन। नहीं सर, एक और, एक और। चलिए 10, ये 10 क्वेश्चन का है। चलो तो सरफेस एरिया का तुम लोग को रिवीजन भी हो जाएगा, सब पढ़े हुए थे ना। चलिए फिर से उसी में बैक हो जाइए और फिर से गेम पिन इंटर करना पड़ेगा आपको, तो नया गेम पिन इंटर करना पड़ेगा। सो हियर इज द न्यू गेम पिन, 1878516। म्यूट कीजिए, बोलना नहीं है। क्या हुआ अभिषेक आनंद, पीछे रह गए काफी, 7, ये 4 क्वेश्चन गलत हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सब लोग ज्वाइन होइए जल्दी, पीयूष, आदित्य, अभिषेक, हर्ष, थोड़ा रुकिए। ग्रेट ग्रेट, ठीक, 6 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, 8 लोग ज्वाइन करने चाहिए। सर 2 सेकंड सर, कर रहे, कोई बात नहीं, करो। ज्वाइन कर लिया, 8 लोगों ने ज्वाइन कर लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अब आपको रूल पता है, दिस इज क्विज नंबर 2। कुछ क्वेश्चन मैच भी करेंगे, सो देखते हैं कितने लोग को जो ऑप्शन मार्क किए हैं वो याद भी है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। थर्टी सेकेंड्स लेफ्ट, वन कैंडिडेट हैज मार्क द ऑप्शन। चार लोगों ने कर दिया, 10 सेकेंड्स लेफ्ट, 6, 5। चलिए मात्र 3 लोगों के सही और 4 लोगों के गलत, इस बार कृष्णा अभिषेक टॉप पोजीशन पे। तो अभी पहला ही क्वेश्चन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, फाइंड द सरफेस एरिया, फाइंड द सरफेस एरिया। फिगर लोड हो रहा है, वैसा ही फिगर है जैसा अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन जो किया था। वर्टिकल हाइट का यूज ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने में, बाकी आप लोग तेज विद्यार्थी। दो लोगों ने आंसर मार्क कर दिया, अभी भी टाइम है आपके पास। 5 लोगों ने आंसर मार्क कर दिया, 6 लोगों ने कर दिया, अभी भी टाइम है आपके पास अवेलेबल। ग्रेट,
पोडियम का क्या हाल चाल है इस बार? अभिषेक आनंद पहली बार टॉप पोजीशन मेंटेन करते हुए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया सेम स्क्वायर पिरामिड होगा, इंच में दिया हुआ है, परपेंडिकुलर है 12 इंच एंड बेस जो है 8 इंच का है। सर फिगर को स्क्वायर पिरामिड मान के बनाना है। हाँ हाँ स्क्वायर पिरामिड ही होगा, ये स्क्वायर पिरामिड ही होना चाहिए। स्क्वायर नहीं है सर। नहीं नहीं स्क्वायर पिरामिड नहीं है वो, 1 2 3 4 5 है, रेगुलर पेंटागन है। यानी ऊपर 5 फेसेस होंगे। तीन लोगों ने आंसर मार्क कर दिया, और मैं मुझे लग रहा है कि जो तीन लोग पहले किए थे इतना जल्दी, चाहे दो लोग ऐसे ही हिट एंड ट्रायल किए हैं, बोले थे हीट एंड ट्रायल वाले ही थे मैक्सिमम लोग। पोडियम का हाल चाल, आदित्य को सबसे टॉप पोजीशन पे लेके चला गया। जल्दी करने के चक्कर में गलती मत कीजिए, ध्यान रहे। द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कैन बी फाउंड टू बी, जल्दी लोड हो जाओ फिगर। चलिए इस सिलेंडर का सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका रेडियस 3 इंच है और हाइट जो है 5 इंच है। One student had marked the answer. Great. सिर्फ एक का आंसर सही हुआ, 2πr² और 2πr, ये 2πr² और 2π, हाँ 2πrh यहाँ पे दिख रहा है। 2π में ये रेडियस और 2 6 से हो गया है, सिर्फ एक का सही है। और किसका सही है? हेमंत का लग रहा है सही होगा, बाकी सबका गलत हो गया है क्या? आदित्य तुम्हारा भी गलत हो गया क्या इस बार? सम कंफ्यूज हो गए थे ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ ऑन द स्क्रीन, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कोन आ जाओ भाई मेरा, कोन आ गया, सरफेस एरिया निकालना है। पाई के फॉर्म में ही, तो ज्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, इसलिए टाइम नहीं दिया हुआ है, पाई से आपको कैलकुलेट नहीं करना है। थ्री टू वन जीरो एंड टाइम अप। क्या हाल चाल है पोडियम का? कृष्णा भी सेकंड पोजीशन पे। सर हाँ सर, इसका होता ना पाई आर एल, तो पाई आर एल दिए तो थे लेकिन गलत हो गया। सरफेस एरिया सिर्फ वो कर्व सरफेस एरिया थोड़ी पूछा था, टोटल सरफेस एरिया। हाँ बोलो, जा रहे थे हम सही आंसर पे, सर टाइम अप हो गया। सरफेस एरिया जब तक कर्व सरफेस एरिया ना बोला जाए तब तक वो टोटल सरफेस एरिया रहेगा ना, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। Now the next question is on the screen. Find the surface area of the solid. देखो यहाँ पे क्यूबॉइड जो बना है किस तरह से बना हुआ है, ये डायमेंशन दिया हुआ है। तो चलिए, कंफ्यूज भी हो सकता है करने के लिए दिया हुआ हो। सर एरो थोड़ा साइड करिए ना। अच्छा हमने एरो कहीं किया क्या? इसको फुल कर देता हूँ मैं ताकि कुछ अच्छा से दिखे आपको। नहीं दिखा,
30 seconds left. टेन सेकेंड्स लेफ्ट. ग्रेट, छह लोगों के इस बार सही है. अभी तक का सबसे शानदार रेस्पॉन्स रहा है. पीयूष ऊपर आते हुए एक बार और. पीयूष एक और जोर लगाओ. सेकेंड पर नहीं, लेकिन अभी 1000 पॉइंट का लगभग डिफरेंस है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन. सॉलिडली आ जाओ भाई. अच्छा टाइम भी है आपके पास, 2 मिनट का. सॉलिड लो. सॉलिड सॉलिड नहीं आया. सॉलिड टाइम स्टार्ट. हाँ टाइम तो स्टार्ट हो गया है. लगता है सर 1 मिनट बाद आएगा. यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा ना तो पूरा शुरू से स्टार्ट हो जाएगा. सर तो देखने दीजिए आएगा. सबके लिए तो सेम टाइम मिलेगा ना. अगर सर 1 सेकंड बजा तो तुक्का लगा लेते. देखते स्किप कर दे क्या. सर रहने दीजिए ना, आ जाएगा. सर रहने दीजिए. सर उम्मीद है आ जाएगा. उम्मीद है आ जा भाई. सर लगता नहीं आएगा. नहीं आएगा सर. सामान बांध के लगता भाग जा. वो लग रहा है कि सर ऐसा तो नहीं क्वेश्चन ही सेट नहीं हुआ यहाँ पे. नहीं नहीं यहाँ पे दिख रहा है ना तो ये होगा. सर आपका हॉटस्पॉट है ना कनेक्टेड. हाँ हाँ कनेक्ट. ये थोड़ा सा भी लो जाएगा ना इसमें इंटरनेट तो ये अपने आप रुक जाता है. सर आंसर ही बता दीजिए, डाल देते हैं. हमको थोड़ी याद है आंसर, हमको फिगर भी याद नहीं है. चलिए स्किप कर देते हैं इसको. एट्थ क्वेश्चन इज नाउ ऑन द स्क्रीन. What is the surface area of this what? Sphere. Sphere है भाई. फोर्टी सेकेंड्स लेफ्ट. दो लोगों ने आंसर मार्क कर दिया है. ठीक है लेट्स सी. होप सो कि सही आंसर हो. अच्छा गलत हो गया. चलिए 30 सेकेंड्स लेफ्ट. इसमें ज्यादा टाइम मिल गया आप लोग को, इतना टाइम नहीं होना चाहिए. सर गलती हो गया. ग्रेट. आंसर बहुत ध्यान से आपको देना है, ध्यान रहे. 10 seconds left. मात्र दो लोगों का सही हुआ ये, और ये बहुत उथल पुथल मचाने वाला है. कृष्णा विषय और आई थिंक इसके बाद लास्ट क्वेश्चन ही होगा. सो कृष्णा मेंटेन योर सेल्फ. नहीं अभी 9th क्वेश्चन है, उसके बाद 10th होगा. अभी 2 क्वेश्चन है. रेक्टेंगुलर प्रिज्म दिया हुआ है, इसका सरफेस एरिया आपने फाइंड आउट करना है. टेन सेकेंड्स लेफ्ट. फाइव
में भी दो लोगों के गलत हो गए, हेमंत और कृष्णा मेंटेन किए हुए, ग्रेट कृष्णा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज नाउ ऑन द स्क्रीन, टेंथ आउट ऑफ टेंथ, हाउ डू यू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, किसी क्यूब का सरफेस एरिया आप कैसे फाइंड आउट करोगे? हाँ सर, बैक हो गया, फिर से इंटर पिन पिन मांगने लगा सर। देखिए यहाँ पे पिन दिख रहा होगा आपको लेफ्ट साइड में, मेरे मेरे लेफ्ट साइड में स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नो देखिए यहाँ पर, चलिए अब तो टाइम भी हो गया, तो पोडियम पे देखते हैं क्या हाल चाल है। थर्ड पोजीशन पे कृष्णा अभिषेक, 9 में से 5 आपने सही किया है। ओ आदित्य फिर इस बार बाजी मार गया, मेंटेन नहीं रख पाए कृष्णा, नहीं सही किए थे तो उससे पहले वो कर दिया होगा, टाइम यहाँ पे आपको ले गया। दोनों लोगों के नंबर ऑफ क्वेश्चन सही है दोनों के, ये अभिषेक का ये परफॉर्मेंस लो हो गया इसमें। चलिए बढ़ते हैं अपने रेगुलर लेक्चर की तरफ, और वो होगा पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 2। जो लोग नए वाले हैं वो एंजॉय किए सर? मजा आया, रेस में चल गया, मजा आया ना, फोर्थ आए सेकंड में, इसके पहले वाले में। हाँ तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोग, ठीक है कोई नहीं, चलिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने सब जो पॉलिनोमियल्स के टाइप थे वो हम लोगों ने देखे थे, राइट। तो आज मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देना चाहता हूँ कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मैं ग्राफ के बारे में बताना चाहता हूँ, बस ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल, बस यहाँ पे नेम मैं बता देता हूँ, नेम बताने के बाद हम लोग उसको अलग अलग से डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग चैप्टर की जो चीजें हैं वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ और क्यूबिक का ग्राफ या इन जनरल ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में बताया था अगर आपके पास कोई कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल हो, कैसा पॉलिनोमियल, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इसका लेट से मैंने लिखा पीएक्स इक्वल्स टू एनी कॉन्स्टेंट, पीएक्स इक्वल्स टू सी, तो यहां पर इसका जो ग्राफ होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, क्या होगा, हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो देखिए इसको मैं अलग फिगर से इसे बना दे रहा हूं, ये आपका सी का वैल्यू है, जैसे सी जितना होगा वहीं से पास करेगा, इसका मतलब यहां पे अगर मैं देखूं तो वाई एक्सिस को ये सी पर कट करेगा, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है मेरा, ये ओरिजिन है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, तो वाई एक्सिस को सी पर कट करेगा ये, वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे पूछा जाए नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस, तो आपका आंसर होना चाहिए जीरो, कोई भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि जीरोस जो होता है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है कि एक्स एक्सिस को कर्व कहां पर इंटरसेक्ट या पॉलिनोमियल कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, मैं उसको लिख दूं क्या, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिकल लिखवाए थे वाला, लिखवाए थे ना, यस सर, ज्योमेट्रिकल, यस सर लिखवाए थे वाला, ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमने बताया था कि कर्व जो है या पॉलिनोमियल जो है एक्स एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट करेगा या टच करेगा वो वाला पॉइंट जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि ये ब्लू वाला लाइन जो कि पॉलिनोमियल का ग्राफ है, किस पॉलिनोमियल का, वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का, इसको वाई इक्वल्स टू सी भी लिखते हैं क्योंकि आउटपुट वाई एक्सिस पर ड्रॉ किया जाता है, आउटपुट जो है वाई एक्सिस पर ड्रॉ किया जाता है, तो ये y equals to constant का जो ग्राफ होगा वो parallel to x axis होगा, number of zeros यहाँ पे 0 होगा, ठीक है, ग्राफ इसका जो मुझे मिलेगा, ग्राफ
सब लोग ड्रॉ करते रहिए कॉपी में। ग्राफ जो होगा, ग्राफ इज पैरेलल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा आदित्य बताओ तो क्या ये y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट फंक्शन का एग्जाम्पल होगा? नो सर। नहीं? यस सर, होगा होगा। कैसे सर? क्योंकि x का कोई भी हम इनपुट डालें वैल्यू तो वही आएगा ना। मैंने एक वर्टिकल वाला आपको टेस्ट बताया था, एक वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है फंक्शन पहचानने का। अगर कोई भी ग्राफ दिया हुआ हो, मैंने आपको बताया था कि एक y एक्सिस के पैरेलल एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, अगर वो दिए हुए ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर कट करेगा तो वो फंक्शन का एग्जाम्पल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा तो ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर कट करेगा ना। यस सर। तो ये फंक्शन होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे मैं देखता हूं किसको, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। कैसे ड्रॉ करते हैं, जस्ट वेट फॉर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। कैसा होता है बस मैं आपको ये बता रहा हूं, अभी ड्रॉ करना हम लोग सीखेंगे, ठीक है। यहां पर लेट से मैंने इस तरह का, मुझे एक्स एंड वाई एक्सिस दिया हुआ है, दिस विल बी आवर वाई एक्सिस एंड दिस विल बी आवर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। और अगर हमने लेट से बोला है कोई पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, ठीक है। आप अगर ग्राफ को ड्रॉ करना चाहते हो ना तो बहुत आसान वाला एक फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको, एक बहुत आसान वाला फॉर्मूला। आप एक बार x की वैल्यू जीरो रख दीजिए तो px कितना मिलेगा ये बताइए सभी लोग। वन मिलेगा क्या? वन मिलेगा। अब मैंने बोला था कि x, ये जो पॉइंट px आपने निकाला है वो y का कोऑर्डिनेट होता है, इसका मतलब यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट आपको जीरो मिला है और y का कोऑर्डिनेट वन मिला है। ये जीरो कॉमा वन कोऑर्डिनेट कहाँ पर होता है ये बताइए? जीरो कॉमा वन वाई एक्सिस पर होगा, y एक्सिस पर, और यहां पर होगा, होगा ना। तो मैं मान लेता हूं ये वाला कोऑर्डिनेट मेरा 0,1 है। और दूसरी बार क्या करेंगे, हम x का ऐसा वैल्यू रख देंगे ना जो px को जीरो कर दीजिए। तो एक बार px को जीरो मान लीजिए, यानी एक बार y को जीरो मान लीजिए। y को जीरो मानोगे यानी px को जीरो मानोगे तो आपको 0 = x + 1 मिलेगा क्या? तो x की वैल्यू यहां से क्या होगी, -1 हो जाएगा। अब ये वाला जो कोऑर्डिनेट के वाइज लिखोगे तो -1,0 हो जाएगा, x का वैल्यू -1 एंड y का वैल्यू 0, y का वैल्यू बाद में लिखते हैं ना। तो ये -1,0 कहाँ लाई करेगा, ये x एक्सिस पर निगेटिव साइड में लाई करेगा क्या? बोल नहीं पा रहे हो तुम लोग? यस सर। यस सर ना। और बस इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, आपको लाइन का ग्राफ मिल जाएगा। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, आगे पीछे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिएगा, आपको यही इस लाइन का ग्राफ हो जाएगा। बात आया समझ में क्या? ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन हो गया क्या ये? अब चलिए मैं एक और आपको ग्राफ बनाने को देता हूं, देखता हूँ कौन कितने लोग इसी मेथड से बनाइएगा। लेट से मैंने बोला, एक पहले आसान वाले देता हूं। लेट से मैंने बोला कि px = 3x - 6। इसका ग्राफ बनाइए तो सब लोग अपने कॉपी पर, और फिर मैच कराइएगा। तो पहले एक मिनट का टाइम देता हूं, आप लोग खुद से पहले बना लीजिए, तब तक मैं एक्सिस अपना ड्रॉ करके रख लेता हूं।
जो लोग बना लिए होंगे एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये दे देता हूँ। माइनस एक्स प्लस टू, तो दो ग्राफ आपको मैंने दिए हुए हैं, जल्दी से दोनों ड्रॉ कीजिए। ये पहले का मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाला हूँ और दूसरा मैं इधर। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस मुझे बनाना पड़ेगा। लेट्स से हियर इज द अनदर कोऑर्डिनेट फॉर ग्राफ टू, दिस वन इज वाई एक्सिस, दिस वन इज एक्स एक्सिस। सब लोग ट्राई कर लिए क्या? सर एक मिनट, पहला बन गया। ग्रेट सर, दोनों बन गया, दोनों बन गया ना। एक मिला होगा, सही नहीं आ रहा होगा, देखिए फर्स्ट हो गया। मेरी वॉइस सही से आ रही है क्या? यस सर, सही है ना। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए, पहला वाला x की वैल्यू जीरो रखे हो गए तो y की वैल्यू माइनस सिक्स मिला होगा, यानी कि जीरो कॉमा माइनस सिक्स आपको पहला पॉइंट मिला होगा। एंड दिस जीरो कॉमा सिक्स इज ऑन द निगेटिव वाई एक्सिस, जीरो कॉमा माइनस सिक्स तो इधर ही मिला होगा, ठीक है। और एक बार एक्स की वैल्यू को जीरो रखे होगे, सॉरी पी एक्स को जीरो रखा होगा आपने, तो एक्स की वैल्यू टू मिला होगा। दिस टू कॉमा जीरो इज समथिंग हियर, ये मिला है ना। और इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो यू विल गेट द ग्राफ ऑफ नहीं नहीं थोड़ा सा मुझे इस तरह से सभी लोग मैच कर लीजिए तो यही ग्राफ आ रहा है क्या? यस सर, यही आया। यस सर, यही आया। अब दूसरे वाले में x की वैल्यू जीरो रखोगे तो y का वैल्यू टू मिलेगा, तो दिस जीरो कॉमा टू इज समथिंग हियर, जीरो कॉमा टू इज समथिंग हियर। एंड x की वैल्यू पी एक्स को जीरो रखोगे तो x की वैल्यू टू मिलेगा, तो टू कॉमा जीरो, टू कॉमा जीरो इज समथिंग हियर, x की वैल्यू टू एंड y की वैल्यू जीरो। आपको ये समझ में आ रहा है ना ये पॉइंट कैसे मैं रख रहा हूँ? जीरो कॉमा टू का मतलब हुआ कि एक्स कोऑर्डिनेट यहां पर जीरो है, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो कहां होता है? वाई एक्सिस पर, तो ये पॉइंट वाई एक्सिस पर होगा। और पी एक्स जीरो हुआ यानी वाई की वैल्यू जीरो हुआ, तो वाई कहां होता है? वाई जीरो कहां होता है? एक्स एक्सिस पर, तो दिस पॉइंट बिलोंग्स टू ऑन एक्स एक्सिस। सो यहां पर अगर आप कोऑर्डिनेट इन दोनों कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करोगे तो विल गेट दिस काइंड ऑफ लाइन। क्लियर है क्या? तो लाइन का ग्राफ बनाने आया सबको? आया, ठीक है। यस ग्रेट। अब आते हैं, एक बात पूछे? हाँ बोलो सर। क्या कहते हैं, पी ऑफ एक्स हमको वाई कोऑर्डिनेट देता है ना? सर क्यों देता है वो? आउटपुट है, आउटपुट है ये, एक्चुअली वाई एक्सिस जो लिए ये लिख रहे हो ना, हम लोग ऐसे लिखते हैं देखो। चलिए ग्राफ जब बनाते हैं, ये फंक्शन से आया था, क्योंकि फंक्शन को वाई इक्वल्स टू एफ एक्स बोला जाता है। मैं थोड़ा सा बताता हूँ, देखो जब मैं कोई ग्राफ बनाता हूं तो मैंने बोला था इनपुट क्या होता है? एक्स होता है, तो ये वाला आपको इनपुट एक्स हो गया, ठीक है। और ये जो वैल्यू होता है ये एफ एक्स होता है भाई। आप दो वेरिएबल का कंपेरिजन कर रहे थे, किसका कंपेरिजन कर रहे हो? दो वेरिएबल का, एक है एक्स और दूसरा है एफ एक्स। जैसे आप बोलते हो ना कि अगर ये पूछा जाए कि पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू मान लीजिए, तो आपने बोला कि पॉलिनोमियल है एक्स में, पॉलिनोमियल है एक्स में, इसका मतलब एक्स की वैल्यू अगर मैं रखता हूं तो देयर विल बी सम आउटपुट, ठीक है। तो आउटपुट यानी कि कितने डायमेंशन का वैल्यू हो गया ये? अगर मैं इसमें डायमेंशन की बात करूं तो कितने डायमेंशन में हो गया? टू, दो डायमेंशन हो गया, एक के लिए होना चाहिए और दूसरा आउटपुट के लिए होना चाहिए, मतलब एंड इनपुट बिलोंग्स टू एक्स। बोलो सर, मतलब हम जो लिखते हैं कि एफ एक्स, तो हम ये कह सकते हैं ना कि हम जो ये फंक्शन लिख रहे हैं
ये y in terms of x लिख रहे हैं नहीं exactly, तो px क्या है px is an expression of p ठीक है in terms of x अगर मैं इसको आपको ध्यान दे आपको ध्यान देना होगा अगर आप यहाँ पे velocity कभी लिखते होगे vt in the time let से हमने इस तरह से तो आप देखोगे कि vt graph बनाना पड़ेगा एक पर time रख रहे हो दूसरे पर velocity होगा यानी कि यहाँ पे velocity depends on time Yes, बात है समझ में वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टाइम तो यहाँ पर एक ये वाला एक्स एक्सिस वाला जो एक्सिस है वो टी से रिप्लेस हो जाएगा और वाई एक्सिस वाला जो एक्सिस है वो वीटी से रिप्लेस हो जाएगा सर मतलब यहाँ जो पी लिख रहे हैं वाई के लिए है एग्जैक्टली पी जो है वाई के लिए मतलब यस सर आप समझ गए किसी जिस वेरिएबल के लिए लिखा हुआ है उस वेरिएबल का फंक्शन है वो yes, वेरिएबल के टर्म्स में आउटपुट का फंक्शन है ठीक है अब मुझे यहाँ पर एक्सेलरेशन दिया रहता है एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी जैसे मान लीजिए ए लिखा हमने वी स्क्वायर प्लस टू वी माइनस वन इसका मतलब मैं देख रहा हूं कि एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है तो देखो इनपुट कैसा है एक्सेलरेशन का सॉरी वेलोसिटी का तो एक्स एक्सिस रिप्लेस्ड बाय वेलोसिटी एंड वाई एक्सिस रिप्लेस्ड बाय एक्सेलरेशन बताया समझ में यस सर आप समझ गए तो इनपुट ऑलवेज बिलोंग्स टू एक्स एक्सिस एंड आउटपुट बिलोंग्स टू वाई एक्सिस इधर ये एक्स के फॉर्म में दिया हुआ हो चाहे जिस फॉर्म में दिया हुआ हो ठीक है आपने ये सब वीटी ग्राफ अगर आपने पढ़ा होगा हाँ बोलो सर मान लीजिए p ऑफ x इज इक्वल्स टू y प्लस 2 दिया हुआ है p ऑफ x इक्वल्स टू y प्लस 2 y प्लस 2 इसका मतलब इनपुट अगर ये हो गया तो यानी ये y हो गया और ये p ऑफ y हो जाएगा बताया समझ में यानी कि वाई एक्सिस अब तुमने वेट यहां पर आपने वाई एक्सिस को इनपुट माना है ध्यान दीजिए इनपुट बिलोंग्स टू एक्स एक्सिस एंड आउटपुट इज पी ऑफ वाई ध्यान दीजिए और आप पी एक्स इक्वल टू वाई प्लस टू नहीं लिख सकते हो पी ऑफ वाई लिखना पड़ेगा आप yes, देखिए अगर ऐसा कर दोगे इट में बी कि एक फंक्शन ऐसा दिया हुआ हो p ऑफ x कॉमा वाई इक्वल्स टू हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई लिख दिया व्हाट डज इट मीन ठीक है इसका मतलब हुआ दो इनपुट हो गए आपको यानी इनपुट के लिए दो डायमेंशन और आउटपुट तीसरा तो ये इसका ग्राफ अगर आपसे पूछा जाए कि कितने डायमेंशन का होगा तो थ्री डायमेंशन का होगा कितने डायमेंशन का थ्री डायमेंशन का इट मींस दैट कि इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए मुझे एक्स वाई और जेड एक्सिस भी चाहिए बात आया समझ में बात कुछ है हाँ बोलो सर मतलब यहाँ से हम एक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं ना कि जितना इनपुट डालेंगे तो डायमेंशन उससे एक ज्यादा निकलेगा एक ज्यादा हो जाएगा ज्यादा कहाँ हो रहा है भाई ये सर उसी का आउटपुट मतलब आपने तो लिखा हुआ है ये हाँ इसके वैल्यू को कहीं ना कहीं तो रेफर करोगे ना यस समझ गया तो वो रेफर जो होगा वो थर्ड डायमेंशन में हो जाएगा तो इसका ग्राफ एक प्लेन हो जाता है जैसे मान लीजिए वेट मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ जब बात आ गया है तो अभी ये तुमने बोला है ना कि ये जो ये अपने एक लाइन बनाया है लेट से मैंने y इक्वल्स टू वन अभी आपने देखा था कि ये y इक्वल्स टू वन जो है एक स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा बोलो सही है क्या यस सर लेकिन मैं बोलूंगा कि भाई ये तीन डायमेंशन में है थ्री डायमेंशन में है इसका थ्री डायमेंशनल फिगर कैसा होगा कितने डायमेंशन में थ्री डायमेंशन में इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर एक्स के साथ कोई यानी कि ये कुछ है जेड वाला जीरो है यानी एक्स इक्वल एक्स और जेड का जो कोऑर्डिनेट है वो कहां वो कितना यहां पर जीरो है इसीलिए वो दिखाई नहीं दे रहा है एक्स कॉमा जेड जो है वो जीरो हो गया तो इसका मतलब जानते हो इसका फिगर कैसा होगा इसका फिगर आपको ऐसा हो जाएगा ये हो गया एक्स एक्सिस ये हो गया आपका वाई एक्सिस और ये हो गया आपका जेड एक्सिस अब देखो
ये वाला प्लेन मुझे समझना पड़ेगा कि एक्स कॉमा जेड, एक्स और जेड कहाँ जीरो होगा? ओरिजिन पे सर। यस सर। तो वाई तो वन है लेकिन ओरिजिन पर तीनों जीरो होता है भाई। यस सर। ठीक है, ये किस प्लेन पर होगा? देखो आप बोल रहे हो, रुकिए ना, एक्स वाई प्लेन पर अगर मैं बोलता हूं तो एक्स वाई प्लेन में अगर एक्स जीरो हो, एक्स वाई प्लेन में जेड की वैल्यू जीरो है। देखो तो यहाँ पे मैंने एक्स वाई प्लेन बताया है तो यहाँ पर वर्टिकल हाइट जीरो है कि नहीं है? तो एक बात बोले, इसका ग्राफ ना वाई एक्सिस पे ही एक यूनिट ऊपर से बन जाएगा, एक यूनिट, लेकिन वो कैसा होगा सर? उसी के एक्सिस पे ही हो जाएगा। हो जाएगा, तो देखो ये कैसा होगा, ये आपको एक प्लेन मिलने वाला है। देखो आपको लगेगा ना कि कोई स्लाइस जा रहा है, यानी कि पहले एक लाइन गया ना, नाउ दिस टाइम देयर विल बी अ प्लेन, ए वर्टिकल। रुको वेट, मैं तो इसका फिगर दिखा रहा हूँ, वेट वेट फॉर मिनट। हमने क्या लिखा था, वाई कोस्ट जीरो ना, वाई कोस्ट वन, वाई कोस्ट वन, वाई इक्वल्स टू वन, एक्स इक्वल्स टू जीरो, कॉमा जेड इक्वल्स टू जीरो। Wait. Plus zero to y. नहीं, y तो है ही ना, y plus zero into z equals to देखिए मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ये दिख रहा है सभी को? यस सर। यहां से ये जो वन दिख रहा है ना, इस वन से एक प्लेन पास करता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है? इस वन से क्या मिलेगा, एक प्लेन पास करता हुआ दिखेगा पर। 3D फिगर नहीं आ रहा है ना, ज़ूम इन करना पड़ेगा। ये जो वन दिख रहा है ना, वन से ये वन एक लाइन नहीं, एक इस तरह से प्लेन जाता हुआ दिखेगा इसमें, ठीक है? ये लग रहा है 3D फिगर नहीं ले रहा है क्या? अच्छा मैं ये इसका ग्राफ बना के आपको इसका स्क्रीनशॉट भेजूंगा ग्रुप में, ठीक है? देखना तुम इसका 3D फिगर वाला ग्राफ। नहीं यहाँ पे नहीं मिला, यहाँ पे y इक्वल्स टू सर प्लेन जो बनेगा y एक्सिस पे ही ना बनेगा। हाँ तो उसके एक यूनिट ऊपर, एक यूनिट ऊपर जीरो। हाँ यस सर, वही हम भी सोच रहे थे। जेड
इक्वल्स टू वन एड स्लाइड देखो कुछ इनपुट में मैं एरर कर रहा हूं ठीक है। तो इस तरह का आप ये ना बोल रहे हो वहां से एक लाइन गुजरता हुआ आएगा, लाइन नहीं प्लेन गुजरता हुआ है। ये मोबाइल का स्क्रीन देख रहे हो ना, वाई एक्सिस वाई इक्वल टू वन से इस तरह का एक लाइन मतलब प्लेन जाता हुआ दिखेगा, बताया समझ में? हाँ, मतलब यहां से लगेगा ना कि कोई जैसे ब्लेड से काटोगे ना वैसे ब्लेड से कोई काट रहा है इसको इस तरह से वन पर, ठीक है। तो ऊपर वाले को दो प्लेन में डिवाइड कर देगा, एक वन के ऊपर का पार्ट हो जाएगा, एक वन के नीचे का पार्ट हो जाएगा। सर क्या कहते, एक बार फोन ऊपर करिए ना, एक क्वेश्चन है। हाँ, जैसे ये प्लेन जो बना ना वाई एक्सिस पे, तो हाँ, आपके राइट साइड में एक यूनिट बाद ओरिजिन होगा, मेरे राइट नीचे ओरिजिन होगा ना, ओरिजिन राइट और लेफ्ट में नहीं होगा, ओरिजिन एक यूनिट नीचे होगा इसके। जैसे यहां से पास कर रहा है तो ओरिजिन तो नीचे रहेगा, लेफ्ट और राइट की बात कहां होगी, और ये प्लेन हम एक यूनिट ऊपर रहेगा ओरिजिन से। हाँ सर, एक्स और जेड तो जीरो है ना, फिर बढ़ेगा क्यों उसमें? क्या एक्स और जेड तो जीरो है ना, फिर उसमें क्यों बढ़ेगा? एक्स और जेड जीरो है, प्लेन बनने के लिए तो उसको बढ़ना पड़ेगा ना एक्स में भी। रुको रुको, एक्चुअली ये लग रहा है कि हम ये मान लो कि एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, ये जेड एक्सिस हुआ। वाई और जेड जीरो है यानी वर्टिकल हाइट जीरो है, ये जीरो है यानी कि ये वाला पॉइंट यहां पर होगा, ये पॉइंट यहां पर होगा। अब जेड जीरो होगा तो इधर से नहीं, इधर से नहीं, हाँ किधर से, एक डॉट ही मिलेगा क्या तब? वही तो सर, फिर किधर बढ़ेगा ही नहीं ना वो किसी तरफ। हाँ ये डॉट ही मिलेगा, ठीक ठीक एक डॉट मिलेगा, ये एक डॉट मिलेगा, क्योंकि अगर मैं उसको लाइन के लिए एक्सटेंड कराऊंगा तो और जो ये जो डायमेंशन है वो बढ़ने लगेगा ना। यहाँ पे तो जेड हमने जेड और एक्स को जीरो किया है, तो दिस विल रिप्रेजेंट अ पॉइंट इन इन थ्री डायमेंशन एट वाई एक्सिस। यस सर। हाँ एक बार सबका एक्स वाई जेड को यूनिट ले लीजिए जीरो के अलावा, तब नहीं वो हम कर ले रहे हैं। देखो जैसे मान लो कि मुझे इसका इसका ग्राफ बनाना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वन, ऐसा ऐसा ले लें, बोलो सर। पहले सारे का मतलब कोई यूनिट लेके बनाइए ना, पहले यूनिट थोड़ा आसान वाला ले लीजिए ना, ये सबसे आसान है तुम लोग के अकॉर्डिंग। ये ग्राफ ऐसा हो गया, मान लो कि ऐसा दे दिया, जेड इक्वल टू वन माइनस एक्स माइनस वाई, ऐसा दे दे, ठीक है। ये क्या है, ये इस जेड को मैं पी ऑफ एक्स कॉमा वाई बोल सकता हूँ, बोल sir. सकता हूँ ना। यस yes, सर। तो पी एक्स वाई कॉमा जेड को अगर मैं जेड मानूंगा तो, और इसको इस साइड लेके आऊंगा तो ऊपर वाला ऑप्टेन हो जाएगा, मुझे हो जाएगा ना। यस yes, सर। हाँ अब इसका ग्राफ मैं आपको बता के दिखा, यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, देखिए। x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू वन, एक्चुअली ये 2D ही ले रहा है इसीलिए नहीं बन रहा है बार बार, 3D में ना होगा ये। हाँ ये 3D फिगर होगा, 3D फिगर, रुको
ऑलरेडी इतना बनाया हुआ है ऊपर। नहीं ले रहा है हो, क्योंकि लेता है ये 3D के लिए बनता है, मैंने बनाया हुआ है इस पे। नहीं ले रहा है, देखता हूं मैं इसका ग्राफ बना के किसी साइड से ही बनेगा, क्योंकि ऐसे तो 3D फिगर नहीं बन पाएगा ना। विजुअलाइज करोगे उसको, ठीक है, मैं आपको ग्रुप में सेंड करूंगा, देख लेना। तो उसका एक प्लेन बनेगा। प्लेन कैसा बनेगा, ये एक्स एक्सिस, देखो मैं यहाँ पे रफ बना देता हूँ, ये एक्स एक्सिस को वन पे कट करेगा, वाई एक्सिस को वन पर ये कट करेगा, और जेड एक्सिस पर वन पर कट करेगा। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये ट्रायंगुलर प्लेन आपको दिखेगा तीनों एक्सिस को वन यूनिट पर कट करता हुआ। इसको विजुअलाइज कर पा रहे हो? क्या सर, तीनों का कोई एक पॉइंट होगा ना, तीनों को मिलाकर ओरिजिन का? हाँ, ओरिजिन पे ज्वाइन कहाँ करेगा, ये तीनों को इस तरह से क्या बोलते हैं आप ना, देखिए एक ना आप जिस जिस कमरे में हो, एक कॉर्नर को आप लेंथ ब्रेथ एंड हाइट की तरफ ट्रीट करो, एक साइड को एक्स एक्सिस, दूसरे साइड को वाई एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होगा, वर्टिकल एज होगा, उसको जेड एक्सिस ट्रीट करो। ट्रीट कर रहे हो क्या सब लोग? यस सर। अब सभी एजेस पर कोई एक एक पॉइंट मार्क कर लो, और तीनों को ज्वाइन करके देखो कैसा शेप एज्यूम कर पा रहे हो आप, इमेजिन कर पा रहे हो? यस सर। सर जैसा यहाँ पे वैसा ही? yes, वैसा इमेजिन कर रहा है। तो क्या वो उसका कोई मीटिंग पॉइंट है? नहीं होगा, नहीं है, नहीं होगा। मतलब मीटिंग पॉइंट की क्या, तीनों एक दूसरे को कहीं पर वो मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं? तो नहीं कर रहा, नहीं करेगा, नहीं कर रहा हूँ। पिरामिड, पिरामिड हाँ। नहीं हो सकता है सर। एक्चुअली वो प्लेन है, क्या है, ट्रायंगुलर, यानी कि एक ट्रायंगुलर प्लेन आपको दिखेगा कि उसको कवर किया हुआ है ऐसे, ठीक है, उसी प्लेन का ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन क्या होगा, उसी उसी प्लेन का होगा। बात आया समझ में? तो उसको एक प्लेन की तरह ट्री, और ये प्लेन यहीं पे रुकेगा नहीं, उसको छेदते हुए आगे गया होगा, ऐसा ऐसा इमेजिन कर सकते हो। ये लाइन आगे रुकेगा ही नहीं है, तो इसको आप इसको आगे बढ़ाइए, 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 और इसको आगे बढ़ाइए। ये कुछ ऐसा जाते हुए दिखेगा ये, तो क्योंकि ऐसा रियली में तो ऐसा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जेड एक्सिस होता नहीं है ना, ये तो आप इमेजिन कर रहे हो कैसा होगा। बताया समझ में? और ये लाइन आगे एक्सटेंड करते जाएगा, ये भी लाइन, क्योंकि लाइन तो इनफाइनाइट होती है, तो ये प्लेन फाइनाइट नहीं होगा, इनफाइनाइट होगा, और जो इंटरसेप्ट आपको दिखेगा वो ट्रायंगुलर दिखेगा। बात आया समझ में क्या? नहीं समझ पा रहे हो अभी तक के लिए आप छोड़ दीजिए। ट्रायंगुलर वाला ही शेप वो करो। तो मैं एक चीज और बताऊंगा, लेकिन एक चीज और बताऊंगा, इसको 3D में मुझे जाना ही नहीं चाहिए था, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे के लिए कुछ कुछ आइडिया मिलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा था, इसके पहले ये हो गया, मैं ये बताने वाला था कि क्वाड्रेटिक जो होगा, क्वाड्रेटिक, और लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं भाई, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो, बस क्वाड्रेटिक का बता देता हूं। ये क्लास में ओ तीसरा एक क्वाड्रेटिक का बता देता हूँ, चाहे छोड़ दो और लोग का छूट जाएगा ना, ये इंपॉर्टेंट होगा। क्वाड्रेटिक के शेप को पैराबोलिक बोलते हैं। तो आज मैं ग्रुप में एक शीट ये सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, बेसिक वाला होगा,
पहले वो वाला तुम लोग सॉल्व कर लो, ठीक है? तो हम लोग उसके बाद का तब आगे देखते हैं। सर एनसीईआरटी प्लास्टिक के एक्सरसाइज 1 हुआ लेकिन 2 नहीं बन पाया। यस सर 1 कर चुके हैं। कौन सा? 1 सिर्फ 0 फाइंड करना था। एक्सरसाइज 2 नहीं बना। 10th का? यस सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी नहीं बनेगा। तो अभी मैं, हां बोलो, लेक्चर अपलोड किए थे सर पिछले वाला, उसके बाद क्लास ले रहे हैं तो मैं कर दे रहा हूं, आज ही कर दूंगा। यस सर, पिछले वाला नहीं किए। पिछला वाला नहीं, आज वाला भी करते थे। मैं अभी ग्रुप में एक सीट सेंड कर रहा हूँ, वो वाला सीट सभी लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है? और ये अभिषेक ने मुझे पियर्सन का सेंड कर दिया है, ट्राई करूंगा उसको भी डिस्कशन में ले लूं, ठीक है? चलिए तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? थैंक यू सर, बाय सर, बाय बाय, बाय सर, थैंक यू सर, बाय।